हेलो दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो हिंदी में होने वाली है और मेरा ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाली है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ी भी टाइम है तो ये वीडियो देखिए, और अगर टाइम नहीं है तो ये वीडियो रख लीजिए, बाद में देखिए, लेकिन देखिए, क्योंकि आपके आज के वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब जो सवाल मुझे हमेशा ही पूछते हैं, अब मेरे कलर्स के बारे में, मेरे पेंटिंग के बारे में, जो कलर्स यूज़ करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज ये वीडियो आप पूरा देखिए, करीब 20 मिनट का वीडियो होने वाली है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही काम की होने वाली है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आज की वीडियो हिंदी में बनने वाली है, तो मेरे को इतनी अच्छी से हिंदी नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में ठीक तरह से समझने का, ठीक है, हिंदी में होने वाली है। क्योंकि मेरा जो व्यूवर्स है, मेरा जो वीडियो पेंटिंग का वीडियो जो लोग देखते हैं, वो आधे से ज़्यादा लोग जो है वो हिंदी समझते, वो बंगाली नहीं समझते। बेसिकली जो मेरा ये चैनल का जो वीडियो है ये बंगाली में मैं इसलिए बनाया हूँ कि मेरा जो बंगाली का जो भाई बहन, वो जो पश्चिम बंगाल आसपास के, जो बांग्लादेश और जो असम यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए मेरा ये चैनल है, जो कि उनको जो पेंटिंग सीखना आसान हो जाए। क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे पेंटिंग का चैनल है और इंग्लिश में भी है, बट बंगाली में नहीं है। इसलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ कि जो बंगाली में है वो बंगाली में अच्छी से पेंटिंग को सीख पाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो चैनल में जो लोग है, आधे से ज़्यादा लोग को हिंदी समझते हैं। तो मैं जो ये पेंटिंग करता हूँ, जो कलर्स यूज़ करता हूँ, तो वो कलर्स वो लोग समझ में नहीं पाते कि ये क्या कलर्स है, ये एक्रोलिक है, ये वाटर है। मैं जब भी मैं कोई पेंटिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका टाइटल में तो लिखता हूँ ये कि हाउ टू पेंट इन वाटर कलर वगैरह वगैरह, कि वाटर कलर से मैं पेंटिंग करता हूँ। लेकिन वो लोग ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का वाटर कलर है और ये कैसे यूज़ करता है ये वाटर कलर, ये तो वाटर कलर जैसा नहीं लगता। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये वाटर कलर नहीं है, वाटर कलर, क्योंकि आप लोग जो वाटर कलर को पहचानते हैं वो क्या है, को ये ऐसा वाटर कलर होता है, ये जो ऐसा वो जो ट्यूब में है वो ऐसा वाटर कलर होता है, ठीक है। जो ये मेरे पास भी है तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं जो बहुत सारी पेंटिंग में आता हूँ, इसलिए ये बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। ये एक कलर्स भी वो 100-150 इतना सा बॉक्स, तो इससे बड़ा तो और भी ज़्यादा महंगा हो गया, तो ठीक है। तो मैं ये कलर्स मैं नहीं यूज़ करता, इसलिए मैं जो कलर्स वाटर कलर्स यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा जो जिसमें पेंटिंग करता हूँ वो बहुत ही, मतलब बहुत ही कम दम का है, ठीक है। तो उस कलर को मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए वो लोग जो मैंने सोचते हैं कि ये कलर्स वाटर कलर नहीं है, ये एक्रोलिक है और ऑयल है, लेकिन यकीन मानिए ये वाटर कलर है यार, ये बहुत ही मतलब सस्ता का वाटर कलर है, ठीक है। तो वो क्या कलर है यही मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले इस टॉपिक पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, पर वो बंगाली में है, इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते। मैं जब भी वो लोग हमेशा मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सर ये कौन सा कलर है, ये कलर का नाम क्या है, ये हमें कहाँ मिलेगा, ये कैसे दिखता है, ये क्या, वो जो होली में जो आबिर होता है वही कलर का, तो मैं जब भी मैं कमेंट में बोलता हूँ कि मतलब मैं कमेंट में उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये वो कलर नहीं है, इसके ऊपर भी एक बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुआ है, आप वो जाकर देख लीजिए, पर वो जो बंगाली में, इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहा है। तो इसलिए सिर्फ उन लोगों के लिए आज का ये जो मेरा वीडियो है ये हिंदी बना रहा हो, क्योंकि वो लोग को जब मैंने समझ में आ सके कि ये कौन सा कलर। और वैसे भी मेरा हिंदी इतना अच्छा मैं नहीं बोल सकती, इसलिए मैं सब बंगाली चैनल बना चुका हूँ, ठीक है। मेरे को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो फिर भी मैं आज मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने की और उन लोगों को समझने की जो बंगाली नहीं समझ पाते। तो मैं पहले ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, इसलिए बहुत ही गलती हो जाएगी, इसलिए आप लोग माफ़ कर देना, पहले से मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो मैं जो ये कलर्स यूज़ करता हूँ, ये कलर्स है, ये कलर्स डस्ट कलर्स, पाउडर कलर्स, ये देखिए इसके अंदर क्या है, वाइट कलर्स, ठीक है, इसके अंदर है वाइट कलर्स। तो देखिए, ये जो वाइट कलर्स है, इसको आप इसको जो हमारे यहाँ बोलते हैं, ये बोलते हैं शोबेदा, ठीक है, हम इसको शोबेदा बोलते हैं। तो ये आप जो हिंदी में ये इसको जिंक पाउडर भी बोलते हैं, जिंक पाउडर, ठीक है, यानी जिंक का जो गुड़ा, ये है जिंक पाउडर। तो इसको यहाँ पे करीब 150 ग्राम है, तो इस 150 ग्राम का
जो दाम है ये करीब 40 रुपया होगा, 25 रुपया, मैंने 100 का दाम है ये 25 रुपया, 40 रुपया होगा। तो ये कलर का दाम है, 100 का दाम है 40 रुपया। अब इसको ये 150 ग्राम, अब ये जो कलर्स है इसमें आप इतना इतना सा दो ग्लास आप कलर्स बना सकते हैं, जिस और उस दो ग्लास से आप क्या बोलूँ कि यहाँ पे इतने साइज़ का पेंटिंग जो है यहाँ पे है, उस दो मुख से कितना करीब 20 से 30 पेंटिंग कर सकते हो। आप समझो कि इसी भी 40 रुपया के कलर से आप 20 से 30 पेंटिंग कर सकते हो, और वो भी एक्रोलिक जैसा। मैं इसीलिए हमें जो बिगिनर्स जो पेंटिंग सीखते हैं, जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है, मैंने उनको सिर्फ यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो अब पेंटिंग सीखते हो तो इसलिए आप ये कलर यूज़ करो। ये बहुत सस्ता होगा, आपके जो पेंटिंग जो सीखते हो वो बहुत ही महंगा पड़ जाए जो कलर से, जैसे कि ये जो वाइल्ड वाटर कलर से, ठीक है, ये जो वाइल्ड कलर से मेरे बॉक्स है, ये मैं जब भी कोई पेंटिंग मेरे को ऑर्डर देता है तो उसके लिए मैं ये सब कलर्स यूज़ करता हूँ। लेकिन जो ट्यूटोरियल में आता हूँ उसके लिए मैं ये जो कलर से यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये कलर बहुत ही सस्ता का है, अगर आप एक स्टूडेंट है, आप पेंटिंग सीखते हो, आपके पास बहुत महंगा बहुत पैसा नहीं है, आप मेरे जैसा कि मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये कलर से पेंटिंग सीखिए। ये बहुत ही अच्छा कलर है, आपको बहुत ही मतलब जो खर्चा है बहुत ही कम कर देगा, ठीक है, और आप पेंटिंग भी अच्छी तरह से सीख पाओगे। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए जो हमारे पास जो पैसा है वो कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं जितनी से पैसा कम खर्च करें वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। इसलिए मैं ये जो कलर्स है मैं ये यूज़ करता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप यही कलर्स यूज़ कीजिए, इससे बहुत अच्छा पेंटिंग होता है। आप तो देखते ही है कि मैं जितनी भी आप आज तक से मेरे चैनल जितनी वीडियोस हैं ऑयल कलर छोड़कर, जितनी वीडियोस है, जितनी पेंटिंग है, सब के सब मैं इसी कलर से पेंटिंग करता हूँ। बुरा होता है क्या? इतनी भी बुरी नहीं होती, और फिर भी तो मैं वो छोटी छोटी पेंटिंग करता हूँ। जब आप बड़ी बड़ी पेंटिंग करते हो ना वो बहुत ही अच्छा होता है, एक्रेलिक जैसे होते हैं वो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये कलर्स यूज़ कीजिए, आप बहुत ही खर्चे आप बहुत ही सेफ खर्चे करते हो, ठीक है। तो देखिए, और ये देखिए ब्लू, यहाँ पे करीब 100 ग्राम ब्लू है, और ये जो ब्लू है इसका जो प्राइस है ये 5 रुपया होगा। ये ब्लू 5 रुपया भी नहीं है, ये 2 रुपया होगा, क्योंकि ये ब्लू ये 1 किलो का दाम 10 रुपया, 1 किलो का दाम, 1 किलो माने इतना हो जाएगा 1 किलो। और ये जो है ब्लू ये माने यहाँ पे 100 रुपया, 100 ग्राम ब्लू है, 100 ग्राम ब्लू में आप दो ग्लास आप कलर्स बना सकते हैं, ऐसे दो ग्लास सिर्फ 2 रुपया में। आप समझिए 2 रुपया में 2 ग्लास कलर्स आप इतना सारा जो पेंटिंग है आप ये 20 से 30 पेंटिंग कर सकते हो। आप मानिए 20 से 30 पेंटिंग सिर्फ 2 रुपये में, इससे माने कम दाम का जो कलर्स होता है क्या कभी होता है? अब ये जो कलर्स है सिर्फ इसको परचेस करने में आपको 150 से 180 रुपया लग जाएगा। अरे अब यहाँ पे देखो 2 रुपया, इतनी सेविंग्स है, बहुत सेविंग्स है। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग मतलब गरीब आदमी है उसको यही कलर्स यूज़ करो। पेंटिंग तो हमारी माने लोग में बहुत से लोगों को अंदर जो पेंटिंग का जो पैशन है वो है, लेकिन वो लोग जो पैसों के लिए वो लोग पेंटिंग नहीं सीख चाहते, मैं नहीं सीख पा रहे, क्योंकि वो लोग के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो लोग पेंटिंग को छोड़ देते हैं। अंदर से स्किल है फिर भी वो पैसे नहीं है इसलिए वो पेंटिंग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उनको कहता हूँ पेंटिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब महंगे सामान आपको खरीदने के नहीं है, आप जो सबसे कम है वो सामान खरीदिए। ये जो पेंटिंग जो मैं कलर्स बोलता हूँ ये खरीदिए, और इसके बाद मैंने एक कैनवास तोड़ी, कैनवास बनाना भी एक सिखा दिया कि कैनवास तो बहुत माने महंगा होता है, लेकिन मैं जो कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि आप लोग कैसे एक कैनवास को बना सकते एकदम बिल्कुल 20 रुपया में, 20 रुपये से कम्प्लीट हो जाएगा। एक काठ का एक फ्रेम चाहिए, उसके बाद पुराना सा आपके घर में जो पुराना जो कपड़ा होता है वो चाहिए, और वो जो मिट्टी कादा मिट्टी है वो चाहिए, और बस बन जाएगा 20 रुपये में, बहुत ही महंगा।
सॉरी बहुत ही कम रुपये में हो जाएगा। आपको महंगा महंगा जो कैनवास, महंगा महंगा कलर्स, महंगा ब्रश, ये सब ब्रश तो लगेगा, ब्रश में थोड़ी बहुत ब्रश लगेगा क्योंकि ब्रश तो बनाना नहीं जाता, तो ब्रश लगेगा। लेकिन जो कलर्स, जो कैनवास, ये सब आप ऐसे कर सकते हो। और हाँ, जो मैं पेपर यूज़ करता हूँ वो बाइंडिंग पेपर है। आपसे, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये जो बाइंडिंग पेपर है ये कहाँ मैं पाऊँ, इसको मैं कहाँ से परचेस करूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ तो बाइंडिंग पेपर मिलती है, हो सकती है आपके पास, आपके वहाँ नहीं भी मिलती होगी। मैं जो ये जो पेपर मैं खरीद कर आता हूँ, ये जो दुकान है बाज़ार में, जिस दुकान में फ़ोटो फ्रेम करता है, जो मैं फ़ोटो बाइंड करता है, ठीक है, उस दुकान में ये पेपर मिलते हैं। और वहाँ पे हम जो जाके बोलते हैं एक बाइंडिंग पेपर देना, तो वो दे देता है इतने से बड़ा, ठीक है, 20 रुपये लेता है। तो उससे मैं 8 टुकड़ा करता हूँ, 8 टुकड़ों से एक एक टुकड़ा का इधर उधर दो साइड में भी मैं पेंटिंग करता हूँ। लेकिन इसका मतलब है एक बाइंडिंग पेपर से मैं 16 पेंटिंग करता हूँ, ठीक है। तो आपके वहाँ नहीं भी मिलते होगी, तो फिर भी आप एक काम करिए, आप जो जैसी पेपर हो, थोड़ी सी मोटी हो, क्योंकि आपको उसमें पेंटिंग करना सुविधा होता है। जब पतला होता है ना, जो एकदम पतला होता है, वो उस पेपर पे पेंटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब ब्रश आप चलाते हो तो पेपर क्या बोलता हो कि वो मैंने फाड़ जाता है, ठीक है। तो वो पेपर बहुत सुविधा है। तो अगर वो नहीं मिलते हैं, तब आप थोड़ी सी और मैंने और खर्च करके आप थोड़ी सी मोटा पेपर खरीदिए, वहाँ पे पेंटिंग कीजिए, ठीक है। अब दो साइड में पेंटिंग कीजिए, इधर उधर दो साइड में, ठीक है। तो आप एक पेपर में 2 पेंटिंग कर सकते हो। और ये जो कलर है, और ठीक है, मैं और कलर दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अगर दुकान में जो काला रंग जो खरीदने जाएंगे, तो ये काला रंग ऐसा होगा, इसमें जो दना दना गुली गुली जो है कि क्या बताऊँ, वो बाली जैसा होगा, ठीक है, माने गुड़ो गुड़ जैसा होगा, ठीक है। और ये रंग जो भीजे पानी में अंदर, इसको भिजा के रखना होगा, तो ये रंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कलर्स है, ब्लैक है, ये 100 का दाम है 20 रुपया, 100 का दाम 20 रुपया अंदर, इसका मतलब है यहाँ पे करीब 150 ग्राम रंग है, ये 30 रुपये का रंग है। तो यहाँ पे जो 30 रुपया का रंग है, कलर से 30 रुपया, इस 30 रुपया से आप इतना सारा, इतना बड़ा एक बाल्टी समझिए, इतना बड़ा बाल्टी से एक बाल्टी रंग आप पा सकते हैं, आप समझे। ये सिर्फ एक 30 रुपये का कलर से, 30 रुपये का कलर से अब इतना बड़ा बाल्टी का रंग पा सकता हूँ। अब इतना बड़ा बाल्टी से कितना पेंटिंग हो जाएगा आप समझिए, बहुत सारी पेंटिंग हो जाएगी, बहुत सारी, करीब तो 30 से 40 पेंटिंग तो हमेशा जाएगा, 50 पेंटिंग में हो जाएगा आप सही से यूज़ कीजिए। क्योंकि हर पेंटिंग में तो आप सिर्फ एक कलर तो मैंने बिल्कुल सिर्फ वही कलर से तो यूज़ नहीं कर सकते, सब कलर मिक्स के आपको यूज़ करना होगा। इसलिए ये जो पेंटिंग, ये कलर है, ये ब्लैक कलर है, सिर्फ एक ब्लैक कलर से आपको करीब 50 पेंटिंग आपको हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 30 रुपये दाम है, ठीक है। तो देखिए और भी एक कलर है, ये देखिए, ये जो मैं फ्लोशन गुलाबी यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए फ्लोशन गुलाबी कलर है, ये देखिए रेड है, ठीक है। इस रेड कलर का दाम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे, लेकिन आपको उस वाटर कलर से काम है। ये यहाँ पे ये जो कलर है, ये करीब ये 10 रुपये का है, और इससे आप एक मग, एक ग्लास रंग पा सकते हो, एक ग्लास कलर, इससे भी हो, इससे भी आप एक ग्लास कलर पा सकते हो। इसका दाम है करीब 20 रुपया, ठीक है, फ्लोशन गुलाबी। अच्छा और भी है, ये देखिए, ये येलो है, ये देखिए ये येलो है, ये डस्ट भी मिलता है, लेकिन मैं जब भी उस दुकान पे गया था उस पर, वहाँ उस वक्त डस्ट कलर नहीं था, इसलिए मैं यही लिया। दोनों सेम ही है कि ये क्या है, ये पानी में थोड़ा भिजा के रखना होगा, उसके बाद करीब आधा घंटा बाद ये ठीक हो जाता है, ये कलर एकदम मैंने क्या बोलता है, डस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके वहाँ डस्ट मिलेगा तो आप डस्ट ले लीजिएगा, कि वही आपको यानी मेकिंग करने में बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये 20 रुपया, मैंने 100 का दाम है 20 रुपया, तो ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही मैंने बहुत सस्ता है। इससे आप ये ऐसे चार ग्लास आप कलर्स पा सकते हो, अब चार ग्लास से आप तो बहुत सारे पेंटिंग कर सकते हो, मैं तो और क्या बताऊँ। और ये देखिए, ये डीप सबुज है, ग्रे कलर, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे 50 ग्राम है, इसका दाम है करीब 20 रुपये, ये 40 माने 100 का दाम है 40 रुपया, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये 100 का दाम है 40 रुपया, इससे भी आप ऐसा एक ग्लास रंग पा सकते हो कलर्स। और सबसे जो कम दाम का जो कलर्स है वो है ये कलर्स, बिस्किट कलर्स। ये देखिए, आप यकीन नहीं कर सकते, इस यहाँ पे आप
कितना पैसे मैंने यहाँ पे जो रंग है कलर से इसका दाम क्या है। यहाँ पे करीब 100 ग्राम रंग है, इसका दाम सिर्फ 1 रुपया है, 1 रुपया है। आप यकीन मानिए इसका दाम सिर्फ 1 रुपया। ये जो कलर से इसका 1 किलो का दाम है 10, 1 किलो का दाम, यकीन मानिए 1 किलो 10 रुपया। यहाँ पे 100 ग्राम है, 1 रुपया दाम है। इस एक रुपया का दाम, 1 रुपये का रंग से आप ऐसे 2 ग्लास रंग आप पा सकते हैं। 2 ग्लास से भी ज़्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ क्या? हाँ, 4 ग्लास भी तो पा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, 1 रुपया का रंग से आप 4 ग्लास रंग, इससे भी आपको कम सस्ता रंग आपको कहाँ मिलेगा? आपको इससे भी सस्ता कलर आपको कहाँ मिलेगा, आप मुझे ये बताइए, कहीं पर मिलेगा? जहाँ पे कि ये जो एक वाइल्ड कलर है, इसका एक ट्यूब का, इसका सिर्फ ये देखिए, इसका सिर्फ एक ट्यूब का दाम है 60 रुपया, और जहाँ पे ये है 1 रुपया। हाँ, थोड़ा पेंटिंग का जो कलर्स का जो क्वालिफिकेशन है उसमें तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, किंतु फिर भी आप जो प्रैक्टिस करने चाहते हो, प्रैक्टिस के लिए यही कलर्स अच्छा है। मैं बोलना चाहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप ये कलर्स खरीदें, ये कलर्स परचेस करिए, ठीक है। हाँ, ये कलर तो ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन में आपको ये कलर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इतने सस्ता कलर्स आपको जो है वो लोग डिलीवर करेंगे, तो वो कलर से ज़्यादा पैसा तो आपको डिलीवरी में ले जाएगा, ठीक है। तो ये कलर्स ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करके आपके आसपास अगर कोई दुकान है वहाँ पे खोज लीजिए, या फिर आपके आसपास कोई मूर्ति शॉप है जहाँ पे वो मूर्ति तैयारी होता है, आइडल, ठीक है। क्योंकि ये कलर जो मूर्ति बनाता है वहाँ पे ये कलर यूज़ होता है। आपको उस जगह का जाके आपको थोड़ी सी पता करना होगा कि आपको आपके यहाँ जो है कलर से वो कहाँ आपको मिलता है, वो कहाँ से खरीदते हैं। उनसे अगर पता कीजिएगा तो वो आपको ज़रूर बोल देगा, ठीक है। तो ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप यही कलर्स उनसे खरीदिए। और हाँ, एक तो बात बताना भूल ही गया कि इस कलर से, इस कलर को जो अंदर जो जैसे मैं क्या करता हूँ को मिक्स करता हूँ, मैंने कलर्स कैसे मैं बनाता हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ। तो उस वीडियो को वैसे बंगाली में, लेकिन आप लोग जो हिंदी समझते हो आपको शायद उसको समझ में तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मैं बोलने से ज़्यादा मैं दिखाया हूँ, क्योंकि अगर देख के समझ जाओगे कि मैं कैसे पेंट उस कलर्स को मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि मैं कैसे उसको बनाया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवाल का जवाब आज मिल गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, मैं देख रहा हूँ कि करीब 18 मिनट का हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। और फिर भी आपको कुछ सवाल जो है कमेंट में, आप चाहते कमेंट में कि ये सवाल पूछूंगा तो मतलब मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, तो नीचे जो दिया हुआ जो नंबर है यहाँ पे मुझे आप कॉल कर सकते हो। मैं आपको इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको जो है सारे सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। हाँ, आप एक काम कीजिए, 4 बजे के बाद, ठीक है, दोपहर 4 बजे के बाद, वो उधर रात को 10 बजे इसके अंदर फ़ोन कीजिए, क्योंकि इसके आगे जो टाइम है यहाँ पर मैं जो काम पर जाता हूँ वहाँ पे मैं काम पे बिजी रहता हूँ, हो सकता है कि आपको फ़ोन में मैं नहीं उठा पाया, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप दोपहर को 4 बजे के बाद वहाँ पे रात 10 बजे के आगे इसके अंदर आप मुझे कॉल कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कॉल कर दीजिएगा तो मैं आपको जो है कि आपका सारे सवालों का जवाब मैंने वहाँ पर दे दूँगा, आपको हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।